तो कुछ लोग कहते कि रेल चलना चाहिए यहां से, तो रेल लूप लाइन से नहीं चलती है, लेकिन आपने जब इतना हल्ला मचाया यहाँ, आप सोचते हो कि सनत यादव संविधान से ऊपर है, हम जो कहते हैं वो हो जाएगा, ये वाजिब बात नहीं है। हमने अपने सुकून के लिए में, हम जानते हैं कि ये मुश्किल खेल है, ट्रेन जंक्शन से जंक्शन चलती है, प्रधानमंत्री हो चाहे प्रणव बाबू हो, ये अपने गांव से ट्रेन नहीं चला सकते थे, स्टेशन है तो जंक्शन से जंक्शन चलती है। लेकिन तब भी हमने कहा कि भाई, हमने तो नहीं कहा था कि मधेपुरा में चौड़ी कर दो रेल लाइन, आपने चौड़ी कर दी और हमारे जबरदस्ती संकट खड़ा कर दिया। हमने उससे कहा कोई रास्ता निकालो, तो अभी पूर्णिया वाली लाइन जो है वो थोड़ी कम चल रही है, तो हमने कहा कि इसको जरा तेज करो। और लालू जी ने एक यहाँ इलेक्ट्रिकल क्या कहते हैं उसको, बिजली इंजन बनाने का यहाँ घोषित किया था, तो बंसल साहब से भी हमने कहा कि भाई थोड़ी सुविधा बढ़ाओ। अब हम उससे कहे इसलिए कि यहाँ लोग कह रहे थे, मैं तो आकर के कह रहा था, और ये कई लोग यहाँ के कहते रहते हैं, इनको समझा समझा के हम तंग आ गए, तो इन्होंने हमने कहा जबरदस्ती इनकी बात है तो कहकर देख लेते हैं तो हो जाए। तो लेकिन ये जो बिजली इंजन बनने का यहाँ तो घोषित हो गया, तो हमने प्रधानमंत्री जी से कहा कि भाई ये घोषित हो गया, सरकार कोई भी हो, आपके मंत्री ने घोषित किया, इसका तो कुछ रास्ता निकालो। तो उनसे भी हमने निवेदन किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे कहने से वो रह जाएंगे। हमने वो जो बात सरकार ने कही है उसको पकड़ करके कहा कि भाई इसको ठीक करो। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, तो जब आदमी कहता है देखते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि बात जो है वो देखने देखना है, जमीन पर आना कठिन है, लेकिन हमारा फर्ज है याद दिलाना। हमने तो कोई दूसरा आकर के रास्ता बनाएगा, जब देश में संपन्नता और रेल के पास ठीक पैसा और साधन होगा तो होगा, लेकिन बात को कहते रहो। लेकिन ये नहीं पकड़ लेना चाहिए, अरे आप साहब ने कहा था, कई लोग हमसे कहते थे आपने ये कहा था, हमने कहा कभी वजन नहीं देते। इसलिए आपसे मेरी सावधानी पूर्व विनती है कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो प्रयास की कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती हमको ना तो कोई पद पे है ना कोई कुछ है, एमपी है, तो हमारा एमपी 40 साल से है, तुम्हारे लिहाज में जो संभव होता वो हो जाता, लेकिन हम कोई कोताही नहीं करते।